जो करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे भी देखो आप देख रहे हैं फिगर और लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन यानी जो आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल बना हुआ एबीसी, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर इसमें पूछा होता कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, लेकिन अब तो लिखा है शेडेड पोर्शन, तो बिल्कुल इजी तरीके से हम इसको निकालने वाले हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपने देख लिया है, आइए इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख के रखा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। देखो यहाँ पर अब ये बी सी क्या हो गया, ये किसका डायमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, बी सी क्या है, डायमीटर बन गया ये वाला। ठीक है, और ये सेमी सर्कल भी हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये सेमी सर्कल भी हो गया। और यहाँ पर सेमी सर्कल में बना जो ट्रायंगल होता है बच्चों, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है बच्चों, अब चाहे तो इसको आप बेस मान सकते हैं, चाहे तो इसको आप बेस मान सकते हैं, लेकिन ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है, ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर आप एसी को बेस मानते हैं तो फिर एबी को परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं, सिंस ए बी सी इज ए ट्रायंगल, एंड इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों है, यहां पे रीजन लिख देते, बिकॉज इट इज मेड इन सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, सेमी सर्कल के अंदर बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और अब हम एरिया निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 और बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, 1/2 और यहाँ पर बेस है बच्चों ये 3 ले लेते हैं और हाइट को ले लेते हैं 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल का। ट्रायंगल का इसलिए निकाला क्योंकि इसमें पूछा था शेडेड रीजन का, और शेडेड रीजन का ही ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख, ये भी लिख लेना आप कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 भी मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, जो कि पहले इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है सर, ये फिगर आप देख ली, और इसमें लिखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन का, तो कैसे निकलेगा, अगर बिग सर्कल का एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो ये निकल आएगा। जी हाँ, बिल्कुल इजी है, आइए करना शुरू करते हैं। इसको भी मैंने पहले से लिख के रखा है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब जल्दी से करना शुरू करते हैं, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल मैं लिख लेता हूँ पहले, क्योंकि रेडियस हमें मालूम होनी चाहिए, रेडियस ऑफ बिग सर्कल। तो रेडियस ऑफ बिग सर्कल है बच्चों यहाँ पर ओ ए, यानी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ बिग सर्कल लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं, चाहे तो आप एरिया ऑफ बिग सर्कल अभी बताता हूँ मैं। तो होता पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस है 14 × 14। हाँ, मैं ये कह रहा था चाहे तो आप इसका इकट्ठा निकाल सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया, 7 से इसको कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 44 × 14 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, और अगर पूरा भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं, 14 4 जा होता है यहाँ पर 56, 56 का 6 कैरी 5, यहाँ पर 14 4 जा 56, 56 और 5 61। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, पहले रेडियस लिख लेते हैं,
रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां पर ये आ गया। तो एरिया निकाल लेते हैं अब इसका भी, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। यहां पर एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का फॉर्मूला तो वही होता पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और यहां पर रेडियस है बच्चों 7 × 7। ठीक है, तो 7 × 7 और यहां पर जब 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो लिख कर ये कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो 616 में से माइनस करना 154, तो देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पर आ गया 2, तो 1 में से 5 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से बोरो लिया 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 1 4, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इस तरीके से आ गया। हाँ मैं ये कह रहा था चाहे तो आप इसका कंबाइन कर सकते हैं सीधा ये लिख के, क्योंकि आपको मालूम है, मैं आपको इधर थोड़ा सा दिखाता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है मान लीजिए। ठीक है, वो थोड़ा छोटा भी होगा इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये देखिए पोर्शन। तो कैसे आएगा बच्चों, तो बिग सर्कल में से तो पाई आर, यहाँ पर मैं बिग कैपिटल ले लेता हूँ या कैपिटल आर ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर लिया तो इसका मतलब स्मॉल सर्कल से है, तो इसमें से देखो कॉमन संख्या निकाल कर पाई आ गया और यहाँ पर ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इस तरीके से। अब आप जानते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहाँ पर देखिए आर, आर बिग आर क्या है 14, तो 14 स्क्वायर और माइनस यहाँ पर स्मॉल तो 7 स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब आप चाहे तो यहाँ पर 22/7 और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है आप ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, और ए माइनस बी इस तरीके से। अब हम जब इसको करते हैं तो मैं इधर आपको दिखाता हूं करके, तो यहां पर 14+7 आता है 21 और यहां पर आता है 7, तो 7 से 7 हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो 21 टू जा यहां पर आता है 42 का क्या आएगा यहां पर 2 आ जाएगा, कैरी 4 आ गया, तो 21 टू जा 42 होता है और 4 आ गया 46 यहाँ पर, देखो यहाँ पर आ गया ना उस ठीक वही आंसर। तो कहने का मतलब है चाहे तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं या इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको मेंटल मैथ में से दिखा देता हूँ कि क्या इसमें कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एसी इसमें 15 सेंटीमीटर ये आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर है, डी के 8 सेंटीमीटर, बीपी 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फिगर, फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। आप करना कैसे देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो ए सी डी ये एक ट्रायंगल बन गई और ठीक इसी प्रकार ए सी बी ये एक सेकंड ट्रायंगल बन गई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम इसको निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तब इस पूरी फिगर यानी ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं देखो एरिया, हमें जो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी ये फाइंड आउट करना, और ये इक्वल होगा एरिया ए सी डी, ठीक है, और प्लस एरिया ए सी बी, ए सी बी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये ए सी तो बेस माना जाएगा और ये डी क्यों क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए मैं इसको निकाल लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो इक्वल यहाँ पर एरिया ऑफ ए सी डी तो 1/2, ठीक है, और बेस, बेस क्या है ए सी है, तो एक बार हम लिख लेते हैं ए सी और परपेंडिकुलर क्या है डी क्यू, ठीक है बच्चों इस तरीके से, और प्लस, ठीक है यहाँ, और फिर एरिया ए सी बी, तो इसमें भी वही फॉर्मूला गया 1/2 इंटू ए सी और इंटू क्या है परपेंडिकुलर यानी बी पी, ठीक है इस तरीके से।
आप चाहे तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 कॉमन आ जाएगा, साथ ही ए सी भी कॉमन आ जाएगा, और हमारा बचेगा यहाँ पर डी क्यू और प्लस बी पी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तो आप ये निकाल सकते हैं। अब ये आप एक ध्यान से देखिए, ये एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो ए सी है वो हाइट मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं। 1/2 ए सी है हमारी यहाँ पर 15, और प्लस डी क्यू 8, और प्लस है बी पी 10। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब हम इसको कर, अब ये लगभग हो चुका है, तो 15 और यहाँ पर इंटू का साइन 10 प्लस 8 18। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते 2 1 2 और 2 9 18। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो 15 9 135 होता है, और इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं एक नए पार्ट में, नए चैप्टर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।